उप जिलाधिकारी संडिला की देखरेख में निर्विरोध अस्थाई प्रधान का हुआ चयन, पंचायती विभाग की मौजूदगी में अस्थाई ग्राम प्रधान चुनाव हुआ संपन्न। हरदोई में विगत वर्ष में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में जिले के विकास खंड कोथावा की ग्राम पंचायत रायपुर से पहली बार प्रधान चुने गए रमाकांत की मृत्यु 5 अप्रैल 2022 को जीने पर खड़े होकर पपीता तोड़ रहे थे कि अचानक पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिर पड़े थे, जिससे कि सिर में अधिक चोट आई थी और उनका लखनऊ स्थित अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था, जहां 5 दिन चले इलाज के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। तब से लेकर अब तक विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत रायपुर में प्रधान पद रिक्त चल रहा था। उक्त जानकारी ग्राम प्रधान पुत्र सोमेंद्र कुमार वर्मा ने दी। प्राप्त समाचार के मुताबिक विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत रायपुर के ग्राम प्रधान रमाकांत की मृत्यु होने के बाद से अब तक ग्राम प्रधान पद रिक्त चल रहा था, जिसको लेकर पंचायती विभाग द्वारा सोमवार को लगभग 11 बजे पंचायत भवन सभागार में उपस्थित पद जिलाधिकारी संडीला देवेंद्र पाल सिंह, खंड विकास अधिकारी कोथावा पंकज कुमार यादव, सहायक विकास अधिकारी कोथावा कौशलेंद्र यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी कामता प्रसाद व ग्राम पंचायत के सदस्यों की मौजूदगी में उपचुनाव कराकर सभी सदस्यों ने सदस्य रहे जसकरण पुत्र धनीराम अस्थाई ग्राम प्रधान जसकरण से पूछने पर बताया कि गांव पंचायत के मतदाता 2,234 हैं, जिनकी सेवा में पूर्ण निष्ठा के साथ करता रहूंगा की बात कही। उक्त ग्राम सभा में कुल 13 सदस्यों की कार्यकारिणी है। राजेंद्र प्रसाद, जगदीश कुमार, अनामिका देवी, अनीश कुमार, राहुल कुमार, पूर्णिमा देवी, गंगा देवी, सुजाना चमेली, उजागर लाल, कमलेश, राजा राम, जसकरण आदि थे, जिसमें अस्थाई ग्राम प्रधान जसकरण की व्यवहार कुशलता से खुश सदस्यों ने निर्विरोध चुना। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बेनीगंज कोतवाली से सब इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह, कांस्टेबल रतन सिंह, कांस्टेबल सचिन कुमार, महिला कांस्टेबल अंशु देवी सहित ग्रामीण जनों ने अरविंद प्रताप सिंह, पंचायत सहायक पति हिमांशु सिंह, गोविंद सिंह, अतुल सिंह, भीकम, सुरजन लाल, गोरेलाल, शीतल, हरिहर, पप्पू सिंह तथा राजू आदि मौजूद रहे। वहीं पर मृतक पूर्व प्रधान पुत्र सुरेंद्र कुमार वर्मा ने जनता जनार्दन तथा सदस्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। GBN 24 न्यूज़ के लिए पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट।